गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट रिक्सिया थेलस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ब्रायोफाइट्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स, उनके क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा की थी। उसमें रिक्सिया आपके सिलेबस में है। रिक्सिया किस में बताया था मैंने क्लासिफिकेशन में, याद करो, हिपेटोकोप्सिडा के। रिक्सिया हिपेटोकोप्सिडा का सदस्य है। यदि रिक्सिया की थेलस के बारे में बात करें तो आप देखिए, रिक्सिया का थेलस इस तरह से होता है, रोजेट हैबिटो रिक्सिया। रिक्सिया के थेलस पर सिंपल ट्यूबरकुलेट राइजोट्स पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, और ये देखिए राइजोट्स ऐसे लगे रहते हैं। रिक्सिया थेलस का ये आपको दिख रहा है, ये सेलुलर डायग्राम होता है। ये आपके प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी है। रिक्सिया के थेलस का जब वर्टिकल क्रॉस सेक्शन किया जाता है, सबसे पहले रिक्सिया के थेलस को हम पित्त की सहायता से हम इसको टीएस करते हैं। फिर आंतरिक संरचना को हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं माइक्रोस्कोप से। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, अपर डोर्सल एसिमिलेटरी जोन, ये एसिमिलेटरी जोन है ये वाला, इसके अंदर श्वसन की क्रिया होती है, और लोअर देखिए आप, लोअर वेंट्रल स्टोरेज जोन ये वाला, लोअर वेंट्रल स्टोरेज जोन होता है। अब हम इसकी बात करें, ऊपर वाले अपर डोर्सल एसिमिलेटरी जोन की बात करें, इसके अंदर देखिए ये अपर एपिडर्मल सेल्स होती है। इन सेल्स के बीच में एयर पोर्स पाए जाते हैं, एयर चेंबर पाए जाते हैं। इनके इस भाग में नैरो फिलामेंटस वर्टिकल रोज पाए जाती है, ये वाले क्लोरोफिल पर्ण हरित युक्त क्लोरोफिल फिलस या कोशिकाएं एक दूसरे से अलग रहती है। हर गुहिका लगभग चार इरेक्ट पंक्तियों में द्वारा घिरी रहती है, एग्जाम्पल रिक्सिया ग्लूका में। कभी कभी वायु गुहिका काफी चौड़ी हो जाती है, तो आठ उदग्र पंक्तियों द्वारा परिबद्ध रहती है, एग्जाम्पल रिक्सिया वेसिकुलोसा। इस क्षेत्र की कोशिकाएं हरित लवक युक्त होती है, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। अतः यह क्षेत्र कैसा कहलाता है, एसिमिलेटरी क्षेत्र कहलाता है। और इसके अलावा इसमें हाइलिन का चाव युक्त जो कोशिकाएं हैं वो बड़ी भी होती है। ये सभी कोशिकाएं देखिए अपर एपिडर्मिस का निर्माण करती है। वायु प्रकोष्ठों की उपस्थिति के कारण इस सतह की निरंतरता अछिन्न नहीं रहती है। तो इस तरह से ये जो एरिया है ये क्या होता है, एसिमिलेटरी जोन होता है। अब इसका जो वेंट्रल एरिया है, वेंट्रल स्टोरेज जोन, इसके बारे में चर्चा करें हम। यह भाग पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ है, क्योंकि ये देखिए आप, बहुत सॉफ्ट कोशिकाएं होती है। इसके अंदर ये सिंपल राइजोट्स दिख रहे हैं, पेरेन्काइमेटस स्टोरेज ऑफ रीजन लिख रखा है। ट्यूबरक्लोटेड राइजोट्स अलग होते हैं और सिंपल राइजोट्स अलग होते हैं, स्मूथ वाल्ड राइजोट्स और ये लोअर एपिडर्मिस होती है। ये पेरेन्काइमेटस रंगहीन कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है, ये कलरफुल नहीं होती। जैसे ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं अपर एपिडर्मिस, उसके वो ग्रीन कलर की होती है, ये रंगहीन होती है। इस स्थल की कोशिकाएं रंगहीन हरित लवक युक्त नहीं होती। इनके अंदर अंतराकोशिकीय वायु स्थान भी नहीं पाए जाते। इन कोशिकाओं में स्टार्च संचित भोजन के रूप में मिलता है, इनके अंदर स्टार्च है वो भोजन के रूप में मिलता है। इस भाग में सबसे नीचे वाले स्तर की कोशिकाएं अधिचर्म निर्मित करती है, लोअर एपिडर्मिस का निर्माण करती है, जिन पर सल्क व मूलाभास उपस्थित होते हैं, जैसे इस डायग्राम में दिख रहे हैं। सल्क बैंगनी रंग के होते हैं, यह एक कोशिका मोटे स्तर की होती है। इसका बैंगनी रंग कोशिका रस में उपस्थित वर्णक एंथोसायनिन के कारण होता है। संग्रहण क्षेत्र के ऊपर की ओर अपाक्ष तल पर प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र स्थित होता है, जैसे इसके ऊपर प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र स्थित होता है। तो आप ये देखिए, ये नीचे वाला क्षेत्र स्टोरेज रीजन होता है, जिसमें कौन किसका होता है, स्टार्च का, मंड का इसमें संचित रहता है।
इनके इसके नीचे वाले हिस्से में शल्क मूलाभास पाए जाते हैं। और शल्क किस कलर के होते हैं? बैंगनी रंग के होते हैं। यह एक मोटे कोशिका मोटे स्तर के होते हैं। इनका बैंगनी रंग कोशिका में उपस्थित वर्णक किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। संग्रहण क्षेत्र के ऊपर की ओर पाक्ष तल पर प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र ये पाया जाता है। इस तरह से ये एकदम इजी है। रिक्सिया का थैलस, इसमें अपर एपिडर्मिस सेल्स होती है, एयर चेंबर होता है, और अपर जो रीजन है वो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, और लोअर स्टोरेज रीजन होता है जिसके अंदर स्टार्च का संचय पाया जाता है। तो आप देखिए एकदम इजी से इजी इसका थैलस का डायग्राम आपको बनाना भी है, थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है। अतः ये गेमेटोफाइट प्लांट ऑफ रिक्सिया है। तो जो थैलस है उसको क्या कहते हैं? गेमेटोफाइट कहा जाता है। रिक्सिया का युग्मकोद्भिद पादप, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रिक्सिया थैलस आपके एग्जाम में आता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रिक्सिया थैलस, रिक्सिया सुकाय के लाक्षणिक गुण बताइए। रिक्सिया का युग्मकोद्भिद पादप सरल सुकाय होता है, जड़ तना पत्ती में विभेदित है, देखिए आप, ठीक है। और सुकाय अपेक्षा मोटा होता है, छोटा होता है और अंडाकार, दो से तीन मिलीमीटर लंबा होता है, शाखित होता है, हल्के हरे रंग का होता है। सुकाय की प्रत्येक शाखा पर स्पष्ट मध्य सिरा उपस्थित रहती है, प्रत्येक जिसमें मध्य खांच पाई जाती है। सुकाय की अपाक सतह, डोर्सल सतह, सुकाय की अपाक सतह पर निम्न संरचनाएं पाई जाती है, जिसमें मध्य सिरा, प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र, फोटोसिंथेटिक जोन, युग्मकोद्भिद में धंसे हुए जो जनन अंग जैसे पुधानी व स्त्रीधानी भी यहीं पे पाई जाती है। सुकाय की वेंट्रल सतह पर निम्न संरचनाएं पाई जाती है। सेल सुकाय के किनारों पर स्थित होते हैं और संचयन क्षेत्र, स्टोरेज जोन, नलिकाकार अशाखित मध्य सिरा के आसपास स्थित मूलाभास, इस तरह के इसके लाक्षणिक गुण है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया थैलस, रिक्सिया सुकाय की आंतरिक संरचना में जैसे हमने पढ़ा, इसका ये जो वीटीएस दिख रहा है वो डोर्सल फोटोसिंथेटिक रीजन और वेंट्रल स्टोरेज रीजन। डोर्सल फोटोसिंथेटिक रीजन के अंदर यह क्षेत्र क्लोरोफिल युक्त होता है। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं के अनेक उदग्र पंक्तियों से निर्मित होता है। प्रत्येक में 8 से 10 कोशिकाएं एक के ऊपर एक अरेंज्ड होती है, जो प्रकाश संश्लेषित तंतु कहलाते हैं। प्रत्येक पंक्ति की ऊपरी कोशिका बड़ी व हाइलिन होती, जो असतत बाह्य त्वचा निर्मित करती है। ये तंतु लंबी वायु के नाल द्वारा अलग अलग व्यवस्थित रहते हैं। आधार या अपेक्ष संचयन क्षेत्र या रंगहीन वायु स्थान रहित और मृदुतकीय क्षेत्र, जिस जल और स्टार्च व अन्य भोजन पदार्थ इसमें संचित रहते हैं। सबसे भीतरी परत में सुकाय आंतरिक बाह्य त्वचा निर्मित करता है, ये वाला आंतरिक बाह्य, लोअर एपिडर्मिस, जिस पर मूलाभास व शल्क पाए जाते हैं। तो ये गेमेटोफाइट प्लांट ऑफ रिक्सिया की स्ट्रक्चर होती है। आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो। इन दिस कोरोना टाइम यूज मास्क, यूज सैनिटाइजर, टेक केयर, बाय बाय।